हेलो दोस्तों, निर्भय इलेवन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में देखिए, हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, मेरे पास मेरा नोट्स लिखा हुआ है, तो उसी से आपको बताऊंगा और समझाऊंगा अच्छे से। तो इसके पहले देखिए, हम खत्म कर लिए थे एसिम्प्टोट्स, मेरा खत्म हो गया था। कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म दोनों खत्म कर दिए थे। आप एसिम्प्टोट्स का क्वेश्चन बना के देखिए, सब बन जाएगा आपका। जितना भी एली में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको अति उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं, तो उसमें जाके उसको देख सकते हैं। उसके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी दे दिए हैं, तो पीडीएफ भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चैनल विजिट कीजिए और उसके प्लेलिस्ट में जाइए। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं। मैथ का अलग होगा, मैकेनिक्स का अलग होगा, इंग्लिश का अलग होगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना है उसका अलग होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। अच्छा, इससे पहले जो है, अगर आपको डेली अपडेटेड वीडियो चाहते हैं, तो यहाँ से जो है हम 2 से 3 वीडियो डेली अपलोड करते हैं। मैकेनिक्स और हो गया वो अति इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, तो डेली ये वीडियो अपलोड हो रहा है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। इसके डिस्क्रिप्शन में बीसीसीएलई का ग्रुप भी दे दूंगा, जो कि स्पेशल ग्रुप बना हुआ है खाली एली के लड़कों के लिए, तो उसमें जाके जुड़ सकते हैं आप। और कोई भी पीडीएफ पीडीएफ चाहिए या कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो कोई क्वेश्चन भी यहाँ से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई जो है तुरंत आ जाएगा, या नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस क्या होता है? इंटीग्रल कैलकुलस जो है, आप लोग 12th में भी पढ़े होंगे, आप सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे। थर्ड सेमेस्टर में ऐसे मिल नहीं रहता है पढ़ना। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस आप लोग का पढ़ा हुआ है, तो इसको और अच्छे समझ में आएगा। करें इफ एफएक्स बी डेरिवेटिव, यहाँ से भी देखिए 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कभी 3 क्वेश्चन इस तरह से दे देता है, तो आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, तभी और आगे कुछ होगा। ठीक है, देखिए इफ एफ एक्स बी डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ एफ एक्स देन इंटीग्रल। इफ अगर कोई एफ एक्स जो है डेरिवेटिव फंक्शन है, तो उसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन का साइन जानते होंगे, इस तरह से लिखते हैं इंटीग्रेशन को, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एफ एक्स प्लस सी। सी एक जो है कॉन्स्टेंट टर्म आता है, कोई भी फंक्शन को अगर एक बार इंटीग्रेट कीजिएगा, उसके साथ एक क्या आएगा? कॉन्स्टेंट टर्म आएगा। ठीक है, आप जो कि एफ एक्स कोई फंक्शन है, डेरिवेटिव फंक्शन, और उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो एफ एक्स इंटू डी एक्स तो आ जाएगा क्या चीज? एफ एक्स प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसके लिए पहले आपको फार्मूला कुछ है, जो कि बेसिक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जाके आपको आगे इसका जो है क्वेश्चन बना सकते हैं। ऐसे फार्मूला अगर नहीं याद रखिएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सम फार्मूला, इसको देखिए डेरिवेटिव करके भी बताए हैं, और उसके जस्ट उसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा ये, मतलब क्या आ जाएगा फार्मूला? देखिए यहाँ पे इसको जैसे डेरिवेटिव कीजिएगा और फिर इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, तो फिर यही आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ एक कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगा, तो यहाँ से हो गया। तो देखिए इंटीग्रेशन मेनली क्या होता है? मैं इंटीग्रेशन मेनली जोड़ने का काम करता है। ठीक है, बहुत सारा चीज को क्या करते हैं, एक तरह से अगर जोड़ना रहेगा, अगर हमको यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि इस तरह के एक्स वाई है, अगर इस तरह का कोई कर्व दिया हुआ है, हमको यहाँ से यहाँ का एरिया निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का लिमिट पुट कर दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए, यानी एक तरह से यहाँ से यहाँ तक एरिया जोड़ देगा। ठीक है, और डिफरेंशिएशन क्या करता है, उसको मतलब खंडों में बांट देता है, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सम फार्मूला, इसको फार्मूला को याद रखना पड़ेगा आपको। देखिए सम फार्मूला में क्या है कि d tan x, मतलब tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 6 स्क्वायर x, आपको पता होगा, 12th में भी पढ़े होंगे। देखिए यहाँ पे tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 6 स्क्वायर x, और इंटीग्रेशन 6 स्क्वायर x इंटू डी एक्स क्या आ जाएगा? 6 स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो इसका देखिए tan x का डिफरेंशिएशन किया थे, 6 स्क्वायर x आया था, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो tan x प्लस सी आ जाएगा। इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि ज्यादा ही कोई अथी नहीं है, तो आप लोग को आता होगा। डी अथी sec x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? sec x इंटू tan x, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sec x इंटू tan x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा? sec x आ जाएगा। cot x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -cos x² होता है, इसको फिर से इंटीग्रेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन cos² x इंटू डी एक्स बराबर होगा -cot x प्लस सी होगा। फिर डी cos x डी एक्स क्या हो जाएगा? -cos x इंटू cot x, और फिर इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? cos x इंटू cot x बराबर -cos x प्लस सी। देखिए इसका प्रूफ भी होता है, बट उतना ज्यादा नहीं जानना है आपको, जो बस फार्मूला जो है याद रखिए। अगर फार्मूला ये नहीं याद होता है, तो लिख करके दीवार में कहीं साट लीजिए, और उसको बार बार एक बार देखते रहिए, तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, हम लोग भी जब एली का तैयारी करते थे, इसी तरह से करते थे, पूरा एकदम फार्मूला पूरा याद रखते थे एकदम गला पे। ठीक है, तब जाके वहां पे निकला, ऐसे नहीं कि। उसके बाद देखिए ए एक्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, या ए एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा? ए एक्स लॉग ए बेस ई आ जाएगा। ठीक
ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई हो जाता है। इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, ए के पावर एक्स तो बराबर क्या आ जाएगा, ए के पावर एक्स बटे लॉग ए आएगा। क्या आएगा, लॉग ए प्लस सी, ये का कांस्टेंट टर्म आता है। साइन एच एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एच एक्स, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कॉस एच एक्स कीजिएगा तो साइन एच एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक कॉस एच एक्स का अगर डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं साइन एच एक्स आ जाएगा। आप कोई लड़का पूछेगा सर यहाँ पे माइनस हो रहा है, माइनस क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं आएगा क्योंकि एच लगा हुआ है, ठीक है। एच एक्स रहेगा, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा तो वहाँ पे माइनस नहीं आएगा। अगर सिर्फ रहता है कॉस एक्स तो यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कीजिएगा, साइन एच एच एक्स बराबर हो जाएगा कॉस एच एक्स प्लस सी होगा। ये एक अलग तरह का ही फंक्शन होता है, ठीक है। अब जब आपको डिटेल्स में पढ़ाएंगे तो फिर बताएंगे इसको, अभी हड़बड़ाइए नहीं। डी को लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए जल्दी से। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाई एक्स। वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होगा लॉग एक्स प्लस सी। अगर कोई यहाँ पे नीचे वाला टर्म, अगर नीचे का एक बार डिफरेंशिएशन ऊपर में है तो उसको लॉग लेके उतना लिख सकते हैं, ठीक है। जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से। रूल्स, रूल्स ओवर इंटीग्रेशन के बीच देखिए रूल्स है, और इसका भी डिफरेंशिएशन देख लीजिए। साइन साइन इनवर्स एक्स डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब आपको याद ही रखना पड़ेगा तभी जाके कुछ होगा। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। फिर इसको इंटीग्रेट कीजिएगा एक बार तो वन बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होगा, ठीक है। आप देखिए कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस वन बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस वन बटे अंडर रूट क्या होगा, रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, या इसी को इंटीग्रेट कीजिएगा तो माइनस वन बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स तो आ जाएगा माइनस कॉस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा। उसके बाद देखिए टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर कीजिएगा तो फिर से ये आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स और प्लस सी, कॉन्स्टेंट टर्म आएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन इसको बनाइए कि सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं खाली। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस कॉस टू एक्स बटे वन माइनस कॉस एक्स डी एक्स, इसको कैसे इंटीग्रेट कीजिएगा। तो देखिए कॉस टू एक्स का फॉर्मूला जानते हैं, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला आता होगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस, इसको माइनस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे वन माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। फिर इंटीग्रेट करेंगे कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस से गुणा कर देंगे और साइन एक्स का फिर कॉस एक्स मिल जाएंगे। सबको पहले क्या करना है, कॉस एक्स मिल जाने का प्रयास करना है। तो यहाँ पे साइन एक्स का फॉर्मूला जानते होंगे क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर वन होता है। तो यही हो जाएगा कितना, साइन एक्स का वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा इधर। अब देखिए यहाँ पे फिर इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कॉस एक्स कॉमन ले लिए, यहाँ पे इसको कॉस एक्स कॉमन लीजिएगा कितना आ जाएगा, वन माइनस कॉस एक्स प्लस वन माइनस कॉस एक्स। यहाँ पे देखिए वन के स्क्वायर भी लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता होगा आपको, क्या होता है ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो वही लिखा हुआ है ए माइनस बी यानी वन माइनस कॉस एक्स प्लस इंटू वन प्लस कॉस एक्स बटे वन माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। आप देखिए भाग दे दीजिए, सबको अलग अलग कर दीजिए, इसको अलग कीजिएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा प्लस, और इसके साथ इसको अलग कीजिएगा तो वन माइनस कॉस एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या वन प्लस कॉस एक्स, तो वही लिख दिए वन प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे टू हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स क्या हो जाएगा टू कॉस एक्स, यहाँ टू कॉमन ले लिए टू बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स और प्लस क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन डी एक्स, तो टू साइन एक्स इंटू टू साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए सम फार्मूला, सम फार्मूला और भी फार्मूला है, इसको देख लीजिए फार्मूला आपको लिखाते हैं। रुकिए निकालते हैं फार्मूला, रुकिए देखिए निकाल रहे हैं फार्मूला अभी हम। देखिए जब उस समय तैयारी करते थे तो हम खुद से एक फार्मूला का अलग से अच्छी लिख लिए थे, अभी कभी रिवीजन करना होता था तो सिर्फ जब फार्मूला रिवीजन करना है तो फार्मूला का अच्छी निकाल दिए। देखिए फार्मूला लिखे हैं, ये सब आपको बेसिक फार्मूला आना चाहिए तभी आपका जो है इंटीग्रेशन एकदम अच्छे से आएगा और इंटीग्रेशन अच्छे से कर पाइएगा। तो देखिए ये सब फार्मूला बेसिक याद रख लीजिए, आप एक बार रिविजन करते रहिए, नहीं है तो कॉपी में नोट्स लिख लीजिए अपने कॉपी में और इसको लिखते रहिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसके बाद अपने से कोई याद करते रहिए मोबाइल से, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ट्रिगोनोमेट्री, साइन ए साइन प्लस माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे प्लस होगा, यानी अगर रहेगा साइन ए प्लस बी तो बराबर हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, माइनस रहेगा तो माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कॉस ए प्लस माइनस बी
बराबर क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस प्लस हो जाता है साइन ए इंटू साइन बी। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस रहेगा तो वहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, देखिए कॉस ए प्लस बी अगर पूछिएगा क्या होगा, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। देखिए साइन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर होता है टू टेन ए बटे वन प्लस टेन स्क्वायर ए। कॉस टू ए बराबर क्या होता है, यही देखिए फॉर्मूला यही लगाए थे ना अभी। अगर यही फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा क्वेश्चन, बस तो इसको याद रखना जरूरी है। ये सब मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये सब आपको बेसिक आना चाहिए, आपको और भी जगह काम देगा। ठीक है, कॉस टू ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए जब एल ई निकाल के बीटेक में जाइएगा सेकेंड ईयर में, तो आपका थर्ड ईयर थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन होगा। थर्ड सेमेस्टर में भी एक सब्जेक्ट रहेगा आपको मैथ पढ़ना, तो वहां पे भी आपको काम आएगा। ठीक है, तो इसलिए अभी से ही तैयारी कीजिए ऐसा जो कि कहीं पे दिक्कत नहीं हो। तो देखिए वन माइनस टू साइन स्क्वायर है, टू साइन स्क्वायर ए, देखिए इसी को कॉस स्क्वायर को तोड़ दीजिएगा कितना में, वन माइनस साइन स्क्वायर ए में, तो यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। आप इसको भी तोड़ सकते हैं, फिर कॉस साइन स्क्वायर को तोड़ दीजिएगा तो टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन बराबर क्या होता है, वन माइनस टेन स्क्वायर ए बटे वन प्लस टेन स्क्वायर ए। अब टेन ए प्लस माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस माइनस टेन बी बटे वन माइनस प्लस टेन ए इंटू टेन बी। मतलब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे साइन रहेगा, यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा तो वही साइन यहाँ पे आएगा, और उसका जस्ट अपोजिट साइन यहाँ पे आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यानी टेन ए प्लस बी पूछेगा तो क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन इंटू टेन बी होगा। उसके बाद टेन टू ए बराबर क्या होगा, टू टेन ए बटे वन माइनस टेन स्क्वायर ए। साइन ये देखिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबको याद रखिए। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी बराबर क्या होगा, वन बटे टू इंटू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। नहीं हो तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए और इसको याद रखिए। ठीक है, बार बार आपको बोल रहा हूँ, कॉस ए इंटू साइन बी बराबर क्या होगा, वन बटे टू इंटू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। जब हम भी पढ़ते थे तो बहुत ही इस फॉर्मूला याद किए थे, ऐसे नहीं हुआ था याद। उसके बाद देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर वन बटे टू इंटू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होगा। साइन ए इंटू साइन बी बराबर वन बटे टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये सब फॉर्मूला याद रखिए। उसके बाद साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी, सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू होता है। साइन सी माइनस साइन डी पूछ देगा, टू कॉस सी प्लस डी इंटू साइन सी माइनस डी बटे टू होगा। कॉस सी प्लस कॉस डी पूछ देगा क्या होगा, टू इंटू कॉस सी प्लस डी इंटू कॉस सी माइनस डी होगा। कॉस सी माइनस कॉस डी पूछ देगा माइनस हो जाएगा, टू साइन सी प्लस डी इंटू साइन सी माइनस डी। और देखिए फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको इंटीग्रेशन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। साइन थ्री ए बराबर थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यू ए, कॉस थ्री ए बराबर फोर कॉस क्यू ए माइनस थ्री कॉस ए, और टेन थ्री ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल लीजिए टेन थ्री ए। टेन थ्री ए का फॉर्मूला होता है ये, तो देखिए उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इसको नहीं भी याद रखिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दोनों याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, साइन थ्री ए बराबर थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यू ए, कॉस थ्री ए बराबर फोर कॉस क्यू ए माइनस थ्री कॉस ए। अब डिफरेंशियल कैलकुलेशन का देखिए फॉर्मूला, लिमिट का भी फॉर्मूला होता है, लिमिट जब आपको पढ़ाऊंगा तो इसको बता देंगे। ठीक है, लिमिट आपको इसको पढ़ा के हो सकता है लिमिट स्टार्ट करेंगे। ऐसे तो लिमिट और पहले का चीज है, बट तो लिमिट तो इजी होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन ही पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद लिमिट पढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो वन प्लस एक्स पावर वन बटे एक्स क्या होता है, ई होता है। देखिए ये सब अभी से ही याद रखिए, क्योंकि हम जब जब लिमिट पढ़ाएंगे तो आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको पहले से याद रहेगा तो और अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए एक बार इसको भी देख लीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई के पावर एक्स माइनस वन बटे एक्स क्या हो जाएगा, लॉग ए बेस ई हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स के पावर वन बाय एक्स बराबर वन हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स पावर वन बटे एन बराबर क्या हो जाएगा, वन। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स पावर एन बटे एन का फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। लॉग सॉरी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लॉग एन बटे एन क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, यही सब फॉर्मूला देखिए आपको यूज किया था कौन सी एसएम टूर्स में, एसएम टूर्स में इसलिए यूज किए थे क्योंकि सब बेसिक फॉर्मूला होता है, सब बच्चा को आता है। ठीक है, इसलिए ये एसएम टूर्स पहले भी स्टार्ट किए थे, नया टॉपिक भी था और इजी भी टॉपिक था, इस कारण से। देखिए यू वी का जो है डिफरेंशिएशन करेंगे इस तरह से होगा, अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो उसको कैसे कर लिखेंगे, यू इंटू डी वी बटे डी एक्स प्लस बी इंटू डी बटे डी एक्स। यू बटे वी का अगर डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो पहले नीचे का लिखेंगे, वी इंटू डी यू बटे डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बटे डी एक्स बटे क्या हो जाएगा, नीचे के वी स्क्वायर हो जाएगा। डी यू बटे डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी यू बटे डी वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको चैन फॉर्मूला कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, चैन फॉर्मूला इसी को कहते हैं। देखिए डी बटे डी एक्स ए के पावर एक्स प्लस बी के पावर एन, यहाँ पे देखिए एन ऊपर इधर आ जाएगा, ए के पावर एक्स प्लस बी एन माइनस वन इंटू ए का जो है इसका जो कोफिशिएंट है उसका आ जाता है मल्टीप्लाई में, ए के पावर एन का डिफरेंशिएशन, ये सब आपको बता दिए हैं।
देखिए यही पीछे बताए थे सब फॉर्मूला, फिर से हम अलग से लिख के जो है फिर से याद किए थे इसको। देखिए साइन एक्स का फॉर्मूला, इंटीग्रल कैलकुलस, ये सब अभी आपको बताए, उसके बाद देखिए इंटीग्रल कैलकुलस, फिर यहाँ पे देखिए ये सब देखिए फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला एकदम। इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन, जो जहाँ की एन बराबर नॉट इक्वल टू होना चाहिए माइनस वन, इंटीग्रेशन वन डी एक्स डी एक्स, ये सब अभी बताए, अभी तुरंत यही सब फॉर्मूला बताए। तो देखिए ये सब बता दिए हैं आपको, लॉग टेन एक्स का फॉर्मूला थी, इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस लॉग कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब साइन एक्स का जो जानते हैं माइनस कॉस एक्स होता है, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, सॉरी सेक एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है, इंटीग्रेशन कॉट एक्स बराबर लॉग क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा लॉग कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर टेन एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स होगा, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन का पूरा फॉर्मूला हम एक जगह लिख दिए थे, ठीक है, तब जाके जो है अच्छा हुआ था। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन डी एक्स, ये सब भी फॉर्मूला याद रखिए, आपको काम देगा फॉर्मूला, ठीक है। इंटीग्रेशन डी एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो चुका है, वन बटे ए माइनस इंटू टेन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी, जब हाइयर इंटीग्रेशन में जाइएगा ना तो थोड़ा सा तब ये सब फॉर्मूला आएगा, ऐसे सिंपल में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रख सकते हैं, या तो ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जब आपको पढ़ना रहेगा मेन मल्टीपल इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन पूरा उधर डीप में नहीं जाना है, इंटरवल नहीं पढ़ना है आपको, इसी इंटीग्रेशन सिंपल ही इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन मल्टीपल रहेगा, दो दो इंटीग्रेशन एक बार चलेगा, तीन तीन इंटीग्रेशन एक बार चलेगा, तो सब बताएंगे आपको। तो ये सब देख लीजिए, एक बार देख लीजिए खाली इसको क्या होता है, डी एक्स बटे क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी, इंटीग्रेशन डी एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन बटे टू ए लॉग ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स होता है, डी फिर इसको कर दीजिएगा तो इतना आ जाएगा, कितना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो लॉग एक्स प्लस एक्स लिख दीजिए, इसको पूरा उठा के यहाँ पे लिख दीजिए, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर वन बटे टू ए लॉग एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस सी हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन डी एक्स बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर, इसको एक्स लिखिए प्लस इसको उठा के लिख दीजिए पूरा प्लस सी, ये सब देखिए छोटा छोटा चीज़ है, ये सब इसको भी याद रख सकते हैं कि ई का मान इतना होता है, वन बटे ई का मान इतना होता है, तो अपने हम अपने से लिख लिए थे ये सब। इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका भी देखिए एक्स बटे टू अंडर इसको लिख दीजिए पूरा यहाँ पे, फिर ए स्क्वायर बटे टू इंटू साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी हो जाएगा, प्लस में हो रहेगा तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे, उसके बाद अंडर प्लस वाला आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर बटे टू इंटू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ई प्लस जितना आएगा उसको लिख दीजिए यहाँ पे प्लस कर दीजिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना, देखिए एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे टू, और क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बटे टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं रहने देते हैं, और तो बहुत सारा फॉर्मूला हो गया, इस कारण से यहाँ पे वीडियो रोक रहे हैं, क्योंकि आपको जो है एक बार फॉर्मूला इतना याद करना थोड़ा मुश्किल है, तो बार बार जो है देखिए एक बार याद नहीं करना है, आप लिख के कहीं दीवार में साट लीजिए और उसको बार बार देखते रहिए, तो उससे हो जाएगा आपको याद, ठीक है। तो चैनल से देखिए जुड़ने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और बीसीसीएलई का ग्रुप बना दिया है, उससे भी जाके उसमें भी जुड़ सकते हैं, उससे बहुत फायदा होगा, कुछ कोई भी तरह का क्वेश्चन है तो उसमें जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।